लगातार खबरों का सिलसिला। खबर अलीराजपुर से, आदिवासी समाज ने मनाई भगवान बिरसा मुंडा की जयंती। हजारों की संख्या में पहुंचे समाजजन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जिले के जिला उपाध्यक्ष शंकर सिंह गुतारिया ने मीडिया से वार्तालाप करते हुए कहा कि हमारे मूल मंत्र यहाँ ही कि हमारे आदिवासी समाज के लोगों को जागृत करना और उन्हें सीधा रास्ता दिखाना और शोषण होने से बचाना, यहाँ हमारा मूल मंत्र है। और कहा है कि धर्म से हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हम तो मूल निवासी हैं और हम धर्म के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं और हर मानव हमारे लिए एक समान है। वहां पर मौजूद जयस तहसीलदार अध्यक्ष नीलेश डावर ने बताया कि आज 15 नवंबर को हमने जिला स्तर कार्यक्रम बोरी में रखा गया, जहां पर जिले के समस्त जयस के सैकड़ों कार्यकर्ता बाइक एवं वाहन के द्वारा एकत्रित होने वाले हैं। आदिवासी समाज धूमधाम से बिरसा मुंडा दिवस मनाई जाएगी। जिला स्तरीय कार्यक्रम में आदिवासी समाजजनों ने सभा को संबोधित किया। नितेश अलावा अलीराजपुर, मुकेश रावत जयस मध्य प्रदेश प्रभारी, किरम जमरा, नीलेश रावर, जोबर जयस अध्यक्ष शंकर सिंह गुथारिया, कैलाश सोलंकी, भारत मोरी, दिलीप चौहान थापली, राकेश गडरिया सहित अनेक लोगों ने संबोधित किया। अलीराजपुर से जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। खंड स्तर कार्यक्रम में कैसा क्या है ये? आज का ये जो कार्यक्रम है बिरसा मुंडा जयंती का कार्यक्रम पूरे अलीराजपुर जिले में खंड स्तर पे, तहसील स्तर पे और जिला स्तर पे किया जा रहा है जी। और हमने हमारे अलीराजपुर जिले का कार्यक्रम बोरी में डिसाइड किया है, तो आज हम सारे कार्यकर्ता मिलकर नगर में अनुशासित एक रैली निकाल कर हम यहाँ से बोरी के लिए प्रस्थान होंगे। भाई साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि संगठन का मूल मंत्र क्या है? संगठन का हमारा जो मूल मंत्र है, समाज के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, कुरीतियों को समाज से आज़ाद कराना है। दूसरा, हमारे समाज के साथ जो शोषण किया जा रहा है, तो उससे हमारे जो समाज के लोग हैं उनको जन जागृति करना है। सर, मेन टारगेट हमारा वो है, हमारे समाज को हम जागृत करना चाह रहे हैं ताकि हमारे साथ जो शोषण कर रहे हैं उन लोगों को हम जवाब दे सकें। संगठन का उद्देश्य कई धर्मांतरण के बारे में कुछ हो तो? देखो, धर्मांतरण को लेकर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये जनजाति समाज को, हिंदू समाज को धर्मांतरण की ओर बना रहे। तो मैं आपको बता दूँ कि धर्म से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो समाज है, हमारा समाज मूल निवासी समाज है। सदियों से हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे जिस संस्कृति, जिस पूजा पद्धति को लेकर करते आए हैं, हम उसको जीवित रखना चाहते हैं। हमारे देवता बापदेव है, भीलवट बाबा है, रानी काजल है, भेष्टा बाबा है। हमारे जो युवा लोग हैं, आज क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे गांव के देवताओं को छोड़कर, हमारे पूर्वजों, हमारी संस्कृति को छोड़कर दूसरी संस्कृति अपना रहे हैं। तो इसलिए क्या है, हम सारे युवा लोग मिलकर हम वापस हमारे लोगों को हमारे समाज के, हमारे देवताओं की ओर लाने का प्रयास करें। अपने संगठन की तरफ से धर्मांतरण को रोकने के लिए कुछ उपाय, कई तरीका कुछ आपकी तरफ से? धर्मांतरण को रोकने के लिए हमारा एक ही उद्देश्य, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम हमारे आदिवासी समाज को हम वापस, जो कुछ इधर उधर कोई गड़बड़ियाँ कर रहे हैं उनको हम वापस हमारे समाज की ओर ला रहे हैं। लेकिन मैं किसी के माथे पे ये नहीं लिखा हुआ कि ये क्रिश्चियन है, कि ये हिंदू है, कि ये आदिवासी है, कि ये सिख है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम धर्म के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते सर, ये क्रिश्चियन है, कि ये हिंदू है, कि ये आदिवासी है, कि ये सिख है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम धर्म के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते सर, हम मानव को समान समझते हैं और मानव के हित में हम काम कर रहे हैं। इसलिए ये धर्मांतरण जैसे शब्द हमारे समाज के ऊपर नहीं लगाना चाहिए सर। और हमारे संगठन, ये धर्मांतरण से हमारा कोई वो मतलब ही नहीं है सर। हम सिर्फ आदिवासी हैं, हम मूल निवासी हैं, इस देश के, इस धरती के हम लोग मालिक हैं। तो हम बस हमारे उद्देश्य के ऊपर काम कर रहे हैं। लोग हमको कुछ भी बोलते उससे हमारा कोई लेना देना। सर, आपका नाम? मेरा नाम शंकर सिंह गुथरिया है और मैं अलीराजपुर जिले का जिला उपाध्यक्ष हूँ और हम सारे भाई लोग मिलके इस काम को
कर रहे हैं। तहसील स्तर पे कोई कार्यकर्ता यहाँ पर? तहसील स्तर पे हमारे कार्यकर्ता हैं, नीलेश डावर हैं, जैस के हमारे अध्यक्ष हैं। नीलेश जी, कुछ आपकी तरफ से आज के कार्यक्रम को लेके क्या है रूपरेखा, क्या तैयार, क्या तय किया है, कहाँ से कहाँ तक जाना है और क्या है बीच में, क्या है, कितने की संख्या है और कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं कुछ? नमस्कार, सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को मूल निवासी समाज की ओर से भगवान बिरसा मुंडा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे इस महामानव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को लेकर जिले स्तर का कार्यक्रम बोरी में रखा गया है और जिले के हर ब्लॉक, हर गांव में एक हर्ष का माहौल है, हर जगह खुशी की लहर है और हम इस बात की खुशी जाहिर करते हैं कि अभी तक आज़ादी के 73 वर्ष हो चुके हैं, तभी मालूम नहीं पड़ा था बिरसा मुंडा। और आज जिन युवाओं ने पिछले 5 सालों में इस बिरसा मुंडा को खोज के निकाला है, समाज के सामने लाए हैं, इस देश के सामने लाया गया है और आज सरकार भी भगवान बिरसा मुंडा के लिए कार्यक्रम करवाने के लिए सहमत हुई है और पूरे जिले के कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया है। ये आदिवासी समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम इसके लिए मुख्यमंत्री साहब का भी आभार मानते हैं। जिला स्तर कार्यक्रम कहाँ पर रखा है? जिले स्तर का कार्यक्रम ग्राम बोरी में रखा गया है, उदयगढ़ ब्लॉक। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं वहाँ पर? पूरे जिले के लोग आ रहे हैं, अलीराजपुर, सोंडवा, छकतला से और कठेवाड़ा, भावरा, उदयगढ़, जोबट से भी जाएंगे और जिले के अलावा अन्य जिले के लोग भी आएंगे, झाबुआ जिले से, धार जिले के, टांडा, उक्षी से भी लोग आ रहे हैं। संख्या पता है भाई साहब? भावरा, उदयगढ़, जोबट से भी जाएंगे और जिले के अलावा अन्य जिले के लोग भी आएंगे, झाबुआ जिले से, धार जिले के, टांडा, उक्षी से भी लोग आ रहे हैं। संख्या पता है भाई साहब कितनी क्या हो जाएगी? संख्या का हम लोग हमेशा अनुमान नहीं लगाते हैं। अनुमान नहीं, जब भी हम कार्यक्रम करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और फेसबुक के थ्रू हम मैसेज के माध्यम से एकत्रित हुए हैं और समाज फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हमेशा एकता का परिचय देते आया है और आज भी देंगे। धन्यवाद राजधानी समाचार न्यूज चैनल से बात करने के लिए नीलेश जी आपके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.